गुरेज में फौज की जानिब से मुकामी नौजवानों के लिए गुरेज से लेकर दराज तक कार रैली अख्तिताम पजीर हुई। यह कार रैली तुलैल में काबुल गली के रास्ते दराज तक मुनक़िद की गई, जिस दौरान कार रैली में शामिल अफराद ने उन इलाकों का दौरा किया जहां पर शीना जबान बोलने वाले लोग रहते हैं। कार रैली में शामिल लोग दराज के मुख्तलिफ इलाकों में अपने तहजीब व तमदन देखकर और अपनों से मिलकर काफी खुश हुए। लोगों ने फौज की जानिब से दराज तक कार रैली मुनक़िद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। हम यहाँ आए थे 6 दिन पहले, हमें आने वालों ने टूर के लिए लिया था। हम यहाँ से गए, पहले काबुल गली के रास्ते से गए हम दराज, वहाँ पर हमें लोग हमारी लैंग्वेज के जो लोग थे हमें वो मिले, हमें उनके साथ बहुत अच्छा लगा। हम पहले लोग हैं जो काबुल गली के रास्ते से दराज गए, हम दराज गए, लद्दाख गए, क्या बोलते हैं, दार्जिलिंग और कारगिल गए, हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा। मेडर के दूरदराज इलाके गलहोता में बिजली का करंट लगने से 40 साल अफराद जख्मी हुआ है, जिसका इलाज सब जिला अस्पताल मेडर में चल रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि गुलाम मुर्तजा वल्द मोहम्मद नसीर अचानक घर के पास बिजली के तार के जद में आ गया। बिजली के करंट का झटका लगने से मुर्तजा शदीद जख्मी हो गया। लवाफे ने इसे फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल मेडर में पहुंचाया, जहां पर वजीर इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक मुर्तजा की हालत अब खतरे से बाहर है। सुबह हमारे पास एक पेशेंट आया है, हिस्ट्री है इसकी, इसको इलेक्ट्रिक करंट लगा है कहीं घर में, तो अभी फिलहाल ये स्टेबल है। हमारे पास SDH मेंटर में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी स्टेबल है, हमने रिजर्वेशन में रखा हुआ है। अगर कुछ फर्दर नीड आती है इसको रेफर या आगे भेजने की तो हम उसके बाद देखेंगे। फिलहाल अभी स्टेबल है और ट्रीटमेंट चल रहा है।